टच, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बताया, तीन ट्रिक, कौन कौन सा, उस ट्रिक का नाम बताइए मेरे को, बोलिए। पहला था राम विलास दुर्ग, ठीक है, राम विलास दुर्ग, रॉयल बस से रमन के साथ आए, ठीक है, पहला ट्रिक, इसमें सात जिला बना, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या था, ट्रिक नंबर सेकेंड, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया था, कौन है दिशा में करी जस रे जस को रब्बा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा जस धाम के डगर, ठीक है, और महाधाम के पुल महावर्धा के डगर, क्लियर है। थर्ड क्या था, जल्दी से बताइए, थर्ड अभी इससे बात बताया था, एक क्या था वो, बागी मूवी बेशुमार, ठीक है, बागी मूवी बेशुमार चला चली कहाँ, BBBSC, ठीक है। इतना चीज इतना याद है तो आप छत्तीसगढ़ के सीक्वेंस से बता देंगे कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, बन जाएगा। तो यहां पर इस तरह से अब एक बार फिर से डिवीजन देख लीजिए, राम मीन्स दैट रायपुर, बिलास बिलासपुर, दुर्ग दुर्ग, रॉय राय राय मतलब रायगढ़ हो जाएगा, बस से बस्तर, से सरगुजा, रमन कहाँ के हैं, राजनांदगांव, तो यहाँ पे राजनांदगांव हो जाएगा। सात इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये सेवन नंबर पर आता है, सात मीन्स सेवन से संबंधित है, तो इसका नंबरिंग कर देंगे तो राजनांदगांव सेवन नंबर पर, सिक्स नंबर पर क्या हो जाएगा, सरगुजा हो जाएगा, फाइव नंबर पर क्या हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, फोर नंबर पर क्या हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा, थर्ड नंबर पर दुर्ग हो जाएगा, सेकंड नंबर पर बिलासपुर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। आ रहा समझ में, इस तरह से। अब इसका कौन ये गाना है, कौन है दिशा में करी जसरी को रब्बा, ठीक है। तो इसमें कौन मीन्स दैट कांकेर, दिशा मतलब यहाँ पर हो जाएगा दंतेवाड़ा, करी मीन्स दैट कोरिया, जस मीन्स दैट जसपुर हो जाएगा यहाँ पर, कोरबा कोरबा मीन्स दैट कोरबा हो जाएगा, जस का जसपुर हो जाएगा, यहाँ पर जस ना लिख करके जांजगीर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जांजगीर धाम लिख लेना, ठीक है, जांजगीर धाम, तो जांजगीर से जांजगीर चापा हो जाएगा, ठीक है, धाम से ध से हो जाएगा ये आपका ये जो है धमतरी, महा से महासमुंद हो जाएगा, वर्धा से हो जाएगा कवर्धा, ठीक है। अब बागी ब से हो जाएगा क्या आपका, ब से कौन सा एरिया आएगा, बलोद, ठीक है, और ग से हो जाएगा यहाँ पर गरियाबंद, मु से हो जाएगा मुंगेली, और बे से आ जाएगा बेमेतरा, सु से सुकमा हो जाएगा, बी बी से हो जाएगा बलरामपुर, और बीवी दो बार बी है तो बलौदा बाजार हो जाएगा, बीवी बलौदा बाजार, ठीक है। एस से हो जाएगा ये अपना सूरजपुर, और सी से हो जाएगा यहाँ पर क्या अभी जो बना है ना कोंडागांव, ठीक है, ये हो जाएगा। तो टोटल कितने जिले हुए, सात यहाँ पे बने, नौ यहाँ पे बने, 16 हुआ, और दो दो और बनते हैं इससे पहले, दो और जिला बनते हैं इससे पहले, इस नंबर से पहले, जो है एक नारायणपुर एनपी और बीपी बीजापुर, ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर दो और बनेंगे, 16 ये हो गए, यहाँ पे सात बना, सात जिला, और इसमें जो है टोटल कितने बने थे, नाइन, और इसमें टू, तो टोटल कितना हुआ, 7 प्लस 9 प्लस 2, टोटल कितना हुआ, 18 जिला, ठीक है। दो जिला यहाँ पे बने, नारायणपुर और बीजापुर, ये कब बना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नारायणपुर और बीजापुर कब बना था,
तो नारायणपुर और बीजापुर कब बना था, जब यहाँ वाला जो स्टेशन बन रहा था अपना ये कांकेर वगैरह, कांकेर के जस्ट बाद ये वाला एरिया कब बना, ये कब बना, ठीक है, इसके बाद ये आया। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, ये बागी वाला। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख रहे हैं। और अभी जो नए में करंट में कौन सा जिला बना हुआ है जो बिलासपुर से अलग हुआ है, उस जिले का नाम क्या है, गोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, वो नया जिला बना हुआ है। तो उस जिलों इसके आधार पर एक मैप को एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है बट सफिशियंट है। ठीक, इस तरह से बनाएंगे। क्लियर है, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला बस्तर एरिया है। कौन सा है, ये वाला बस्तर एरिया है, बॉर्डर कर रहे हैं जो बस्तर का एरिया है। ठीक है, और बस्तर में अपन बस्तर बना ये वाला ले जाते हैं रायपुर, और जो है दुर्ग का क्षेत्र बनेगा ये इस तरह से पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, ये वाला रायपुर हो जाएगा, ये वाला दुर्ग हो जाएगा, और ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र में अपन देख लेंगे कौन सा, बिलासपुर जोन। ठीक है, तो यहाँ पर बिलासपुर जोन हो जाएगा और ये जो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सुकमा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और इसको यहाँ से, सॉरी, इस तरह से जो है लाइन जो है लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक आयताकार पार्टीशन बनाएंगे, फिर यहाँ से इसको पार्टीशन कर देंगे इसको और इसको। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से पार्टीशन कर देंगे। तो टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको लिखने पर,